स्वागत है मेरे YouTube चैनल सब्जेक्ट एजुकेटर में। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो इसके लिए कुछ हम लोग को बेसिक सीखना होगा। तो चलिए इसे क्या बेसिक है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन सीखना होगा हम लोग को। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग सीखना है, बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? तो मान लीजिए हम लोग एक सेट ले लिए, सेट जी। मान लीजिए हम लोग सेट एच ले लिए, और सेट एच में हम लोग का है ए बी सी डी ई से लेके अनगिनत है, मतलब बहुत सारा है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑपरेशन, यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग ऑपरेशन लेते हैं। मान लीजिए ऑपरेशन ओ मतलब हो गया हम लोग का ऑपरेशन, ऑपरेशन। अब हम लोग इफ मान लिए हम लोग इफ ए एंड बी बिलोंग्स कर रहा है एच से, और ए इसको ऐसे लिखेंगे ऑपरेट किया बी से, तो हम लोग का वैल्यू सी आया, या सी बिलोंग्स करेगा एच से, तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कह देंगे। एक और बार समझ लीजिए, एच से बिलोंग्स करेगा, मान लीजिए ये ए और ऑपरेट किया बी से, जो उसका नया वैल्यू आया सी, और सी वो एच से बिलोंग्स करेगा, तो हम लोग उसे कह देंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या कहते हैं। मान लीजिए ये सी इसे बिलोंग नहीं करता, तो हम लोग इसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते। चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग ले लिए सेट एन ले लिए, एन मतलब नेचुरल नंबर ले लिए। नेचुरल नंबर में आता है वन से लेके बहुत सारा, लेकिन इन्फिनिट। इफ इसमें मान लिए हम लोग इफ ए टू इक्वल टू 100, बी टू इक्वल टू 5000, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन ले लिए, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन ले लिए पॉजिटिव, यहाँ पे हम लोग जी ले लिए थे, इसी को एच, एच मान लिए नेचुरल नंबर है, सेट है एच जो नेचुरल नंबर है वन से लेकर, और ऑपरेशन कर रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन दे दिया ए टू इक्वल टू 100, बी टू इक्वल टू 500, तो ए ऑपरेट्स बी, ए ऑपरेट्स, ऑपरेट्स क्या लिखा, ऑपरेट्स क्या है हम लोग का प्लस है, मतलब एडिशन है, ऑपरेशन मतलब एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, इसमें कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कंडीशन एडिशन का, तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना 100 प्लस 500, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग का 600 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं, और 600 हम लोग का नेचुरल नंबर है, और ये बिलोंग्स कर रहा है एच से, तो हम इसे कह देंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये 6 है बिलोंग कर रहा है एच से, तो अब इसे ही हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन बिलोंग्स एन। अब हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं, ये कब वैल्यू नहीं करेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ले लिए, यहाँ पे हम लोग ले लिए सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। मान लीजिए फिर से कंडीशन ले लिए ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, तो ए ऑपरेट्स किया हम लोग का बी से, और ए माइनस, तो यहाँ पे ऑपरेशन लिए हम लोग माइनस, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, कितना हो जाएगा माइनस 1, जो कि देखिए नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है एन से, तो ये हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ये होता है कि जिसका, यहाँ पे हम लोग सेट एच लिए, मान लीजिए ऑपरेशन हम लोग कुछ दे दिए, या ए ऑपरेट्स बी किया, तो यहाँ पे सी आया, और सी बिलोंग्स करना चाहिए सेट से, तभी हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बाद दूसरा पढ़ेंगे कॉम्यूटिविटी। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे सी ओ एम डबल एम यू टी आई वी आई टी आई। अब हम लोग कॉम्यूटिविटी पढ़ेंगे। तो कॉम्यूटिविटी क्या होता है, मान लीजिए ए ऑपरेट्स किया बी से, और बी ऑपरेट्स किया ए से, तो दोनों का वैल्यू इक्वल आए, तो हम उसे कॉम्यूटिविटी कह देंगे, इसी को हम लोग कॉम्यूटिविटी कह देते हैं सिंपल में। तो यहाँ पे देखिए, और ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए एच से, तभी हम लोग कॉम्यूटिविटी कह देंगे। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए सेट एक नेचुरल नंबर है, फिर से हम लोग एक नेचुरल नंबर ले लिए, और ऑपरेशन हम लोग का पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो हम लोग का वन प्लस, मान लीजिए हम लोग ले लिए वन प्लस टू, नेचुरल नंबर है वन प्लस टू इक्वल टू 3, ए को 1 मान लिए, और बी को भी हम लोग 2 मान लिए,
फिर ए प्लस बी टू हो गया और बी प्लस बी टू प्लस वन बी थ्री हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का इक्वल आ गया 3 3। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल था, इसी कारण हम लोग का ये हम लोग का कम्यूटिविटी होगा। ए ऑपरेट्स बी इज़ इक्वल टू आ गया हम लोग का बी ऑपरेट्स ए, तो हम लोग इसे कम्यूटिविटी कह देंगे। अब हम लोग तीसरा आते हैं जिसका नाम एसोसिएटिविटी है, तो इसे हम लोग इसका ए डबल एस ओ सी आई ए टी आई बी आई टी वाई एसोसिएटिविटी। तो हम लोग का हम लोग फिर से एक ले लिए, हम लोग का एक सेट एन ले लिए, सेट एन ले लिए। अब ऑपरेशन हम लोग दे देते हैं, ऑपरेशन को हम लोग ओ ही मान लेते हैं। ऑपरेशन में क्या होता है? ऑपरेशन में प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन ढेर सारा, इसमें ऑपरेशन ओ। तो एसोसिएटिविटी में ये होता है इफ ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी एलिमेंट है, ये हम लोग का बिलोंग्स कर रहा है एच से, और इसका ये होता है ए ओ बी, ए ओ बी ऑपरेट्स ओ सी, ये हम लोग का इक्वल ए ओ बी, और फिर ए ऑपरेट्स बी ओ सी, ये हम लोग का इक्वल रहा, तो हम लोग इसे कह देंगे ये एसोसिएटिविटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग का जब भी रहा तो हम लोग इसे कह देंगे, इक्वल नहीं रहा तो हम लोग नहीं कहेंगे एसोसिएटिविटी। ये ए ऑपरेट कर रहा है बी से, फिर पूरा ए ऑपरेट बी, फिर ऑपरेट कर रहा है सी से, तो ए सिंगल ऑपरेट कर रहा है बी ऑपरेट सी से, तो यही हम लोग का एसोसिएटिविटी है। अब आते हैं हम लोग चौथा आइडेंटिटी, तो फोर्थ हम लोग का आइडेंटिटी। तो ये हम लोग को सीखना होगा, हम लोग पहले ये नहीं सीखेंगे तब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 नहीं बना पाएंगे, तो ये बिल्कुल सीखना है, ये बिल्कुल ये है अनिवार्य है तो सीखना। तो हम लोग आइडेंटिटी को हम लोग ई से हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग मान लिए इफ ए बिलोंग्स कर रहा है एच से और ए ऑपरेट्स कर रहा है ई, और ई हम लोग का है यही आइडेंटिटी मानते हैं। मान लीजिए ए ऑपरेट कर रहा है ई इक्वल टू ए आया, ये ऑपरेट किया ई से तो ए आया, और इसका उल्टा ई ऑपरेट्स करेगा तो भी ए, तो इसका भी वैल्यू ए आया। तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो इसे फिर से समझ लीजिए, ए ऑपरेट्स कर रहा है ई से तो ए वैल्यू आया, और इसका उल्टा ई ऑपरेट्स कर रहा है ए से तो ये भी सेम इक्वल आ गया, इसी को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी तो इसी को कहते हैं। अब हम लोग कुछ आपको एक ट्रिक सिखा देते हैं तो आप लोग बोल काम आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक सीख लेते हैं नोट कि देखिए पॉजिटिव में हम लोग का ई का वैल्यू आइडेंटिटी ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, नेगेटिव में हम लोग का जीरो हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन का में वन हो जाएगा, और डिवीजन में वन। ये ट्रिक है, मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स, मतलब बहुत ही कम लोग बताते हैं, तो ये हम लोग का नोट्स कर लिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से और बेहतर समझेंगे आइडेंटिटी, थोड़ा सा आप लोग दिक्कत होगा तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए आई, आई मतलब इंटीजर, इंटीजर तो आप लोग जानते होंगे ढेर सारा नंबर, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, फिर ढेर सारा इंटीजर से बहुत सारा होता है। मान लीजिए ऑपरेशन हम लोग का पॉजिटिव रख दिए, पॉजिटिव, और हम लोग कोई भी ले लिए ए का वैल्यू हम लोग ले लिए, मान लिए माइनस टू। तो यहाँ पे देखिए माइनस टू ऑपरेशन क्या है, प्लस ई, ई का वैल्यू पॉजिटिव, ई का वैल्यू इसको पहले ये लिख लेते हैं, तो हम लोग पहले सॉरी ई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते, ई का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जीरो है तो जीरो, तो हम लोग का आ गया माइनस टू। फिर हम लोग इसका उल्टा जीरो प्लस माइनस टू, फिर पॉजिटिव था तो जीरो लिख दिया माइनस टू, तो इसका वैल्यू हम लोग का माइनस टू आ गया। तो हम लोग का यहाँ ये हो गया, प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल कर रहा है, ए ऑपरेट कर रहा है ई से तो इसका वैल्यू भी ए ही आ रहा है, और ई ऑपरेट कर रहा है ए से तो इसका वैल्यू ए ही आ रहा है। तो हम लोग आइडेंटिटी भी आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग आते हैं पांचवा नंबर पे जो इनवर्स है, इनवर्स। तो ये सब बिल्कुल एक्सरसाइज 1.4 में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए से आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इनवर्स, तो इनवर्स देखते हैं। ए बिलोंग्स कर रहा है एच से, मान लीजिए ए बिलोंग्स कर रहा है और ए इनवर्स, मान लीजिए इनवर्स का हम लोग सिंबल ले लिए ऊपर में, आई छोटा सा ले लिए, समझने के लिए, बिलोंग्स कर रहा है एच से, तो ये हम लोग का दोनों बिलोंग्स कर रहा है एच से। तो अब इनवर्स क्या होता है इसे देखिए, ए ऑपरेट्स कर रहा है ए आई, मतलब ए इनवर्स से, इक्वल टू उसका वैल्यू ई आया, और इसका उल्टा हम लोग ए इनवर्स ऑपरेट्स कर रहा है ए से तो भी इसका वैल्यू ई आया, उसी को हम लोग इनवर्स कहते हैं। मान लीजिए दोनों का वैल्यू उल्टा करें या सीधा, तो दोनों का वैल्यू ई आ रहा है, उसे हम लोग इनवर्स कहते हैं। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल से सीख लेते हैं इसे। तो पहले मान लीजिए आई, आई मतलब इंटीजर, इसमें बहुत सारा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन
टू थ्री और ढेर सारा और इधर भी, तो यहाँ पर इंटीजर्स हैं। मान लीजिए ऑपरेशन हम लोग पॉजिटिव रखती है और ई का वैल्यू आप लोग जानते हैं पॉजिटिव का हम लोग जीरो था, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, अब मान लीजिए हम लोग ए का वैल्यू कोई भी ले लिया, मान लीजिए माइनस टू ले लिया, कोई भी ले लिया, माइनस थ्री ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग माइनस थ्री ले लिए, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए यहाँ इस पर बैठा है, तो यहाँ पे माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री का उल्टा थ्री इक्वल टू जीरो, ये दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का ये जीरो आ गया। तो देखिए ये हम लोग का बिल्कुल कर रहा है, अब इसको ऐसे ही करेगा तो वो भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि एक नोट कर लीजिए, इनवर्स, इनवर्स हम लोग का डिफरेंट आ रहा है, इनवर्स इन डिफरेंस, देखिए माइनस थ्री तो प्लस थ्री आ गया, इनवर्स इन डिफरेंस, ये आप लोग नोट कर लीजिए डिफरेंस। एंड और जो हम लोग का आइडेंटिटी आ रहा है वो यूनिक आ रहा है, मतलब कोई मतलब यूनिक आ रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए आइडेंटिटी टी टी इज यूनिक। तो ये आप लोग समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मतलब सारे पूछे जाएंगे, तो ये देख लीजिए और बिल्कुल आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। तो इनवर्स का मतलब यही होता है कि इसका इनवर्स डिफरेंस आ रहा है, इसका उल्टा आ रहा है और इसका आइडेंटिटी यूनिक आ रहा है। अब हम लोग एक कंपोजिट टेबल देख लेते हैं जो आखिरी रहेगा इस बेसिक्स का, उसके बाद हम लोग साइज 1.1 का वन नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंपोजिट टेबल देख लेते हैं क्या होता है, बहुत मजेदार चीज है, तो इसे देख लीजिए, कंपोजिशन टेबल, सॉरी टेबल, इसे हम लोग सी टी फॉर्म्स शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सेट ले लिए 1 2 3 ले लिए और ऑपरेशन हम लोग ले लिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे कंपोजिट टेबल। तो सबसे पहले यहाँ ऑपरेशन पहले यहाँ पे लिख लेंगे कॉर्नर में, अब यहाँ पे 1 2 3 फिर नीचे 1 2 3, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन पॉजिटिव लिए, नेगेटिव लेते दूसरा होता पॉजिटिव, देखिए 1 + 1 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 फिर 2 + 1 = 3 फिर ऐसे ही 4 फिर ऐसे ही 5 फिर ऐसे ही 3 + 1, एक प्रॉपर एग्जांपल एग्जांपल नहीं लिया है, बस एक एग्जांपल में सब लोग समझ लीजिए, 3 + 1 = 4 3 + 5 और ये 6, देखिए इसी को हम लोग कंपोजिट टेबल कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 यहीं पे हम लोग का खत्म हो जा रहा है, ये इतना पर 3 2 3 ये तो बिल्कुल 4 आ रहा है, 4 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसी को हम लोग आगे और अच्छा समझेंगे कंपोजिशन टेबल को, क्वेश्चन मिलेगा, तो हम लोग ये समझने के लिए समझ लिए। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.4 में, हम लोग का पूरा बेसिक्स खत्म हो गया है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। और एक बात ध्यान रखिए, पहले आप लोग उसे पढ़ लीजिए, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल एक्सरसाइज 1.4 में बिल्कुल आप लोग समझ नहीं आएगा, फिर आप लोग कमेंट करिएगा। तो पहले आप लोग 1.4 का जो बेसिक्स है उसे देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो बोल रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिफिनेशन ऑफ स्टार, ये स्टार क्या है, ये ऑपरेशन है, इसको ओ से लिखते थे, इसे स्टार में दिया हुआ है। गिवन बिलो गिव गिवेस गिवन बिलो हम लोग नीचे दिया हुआ है, गिव से बाइनरी ऑपरेशन, हम लोग नीचे बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, इन द इवेंट दैट ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी फंक्शन ऑपरेशन, मान लीजिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम लोग को इसका जस्टिफिकेशन लिखना है, और दिस मतलब ये बाइनरी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहा तो हम लोग को जस्टिफिकेशन इसका लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव आप लोग जानते हो इंटीग्रल्स होता है, डिफाइन ऑपरेट्स बाय ए ऑपरेट्स बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो हम लोग बनाना है। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे आप लोग बिल्कुल डिटेल में देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हम लोग का कि मान लीजिए हम लोग सेट जेड प्लस था, तो यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रल्स लेना है जो भी पॉजिटिव रहे, पूरा इंटीग्रल्स नहीं लेना, यहाँ पे प्लस का साइन था तो हम लोग इंटीग्रल्स लेना है, जेड मतलब इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स वो भी पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए इंटीग्रल्स ले लिए 1 2 3 से लेके इन्फिनिट तक, अब हम लोग का दिया हुआ था, हम लोग ऑपरेशन दिया हुआ था ए ऑपरेट्स बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए इफ मान लिया हम लोग इसमें ऑपरेशन इफ ए इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू जेड प्लस, मान लीजिए ए 1 है और बी 2 है, बिलोंग्स कर रहा है जेड प्लस के, ये बिलोंग्स करना चाहिए, और ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का ऑपरेशन मतलब माइनस में है, मान लीजिए हम लोग का देन ए स्टार बी इक्वल टू 1 - 2, यहाँ पे ऑपरेशन को नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन में था, 1 - 2 = -1 और -1 देखिए इंटीग्रल्स हम लोग को पॉजिटिव बोला हुआ है, तो ये हम लोग बिल्कुल बिलोंग्स नहीं कर रहा है जेड प्लस से, तो हम लोग इसे कह देंगे ये बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, सो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, तो हम सीधे भाषा में लिख दिए ये बिल्कुल ये ऑपरेशन। तो हम लोग का पहला बन गया मतलब पहला का पहला। तो दूसरा नंबर कह रहा है
ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन, मतलब फिर से हम लोग को इंटीग्रल दिया वो भी पॉजिटिव डिफाइन ऑपरेट्स बाय ए ऑपरेट्स ए बी। यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे कि ऑपरेशन में प्लस ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब कुछ रहता है, तो हम लोग को ये इस बार दिया हुआ है ऑपरेशन। तो अब चलिए इसे बनाते हैं। तो हम लोग पहले ऑपरेशन लिख लेंगे ए ऑपरेट्स बी। तो हम लोग देखिए स्कूल में कैसे आप लोग लिखेगा उस फॉर्म में और एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दोनों समझेंगे। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, पहले हम एग्जाम्पल फॉर्म में समझ लेते हैं। इफ ए सॉरी यहाँ पे ए बी, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। आप लोग एग्जाम में टाइम हो तो आप लोग दोनों लिख लीजिए, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ दोनों में। तो यहाँ पे देखिए इफ ए बिलोंग्स कर रहा है वन, क्योंकि यहाँ पे जेड इंटीगर्स इंटीगर्स प्लस था तो हम लोग उसी में ले सकते हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीगर्स। और बी मान ली हम लोग टेन, तो यहाँ पे हम लोग का ए इंटू बी, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन बी है ए इंटू बी सॉरी ए इंटू का साइन बी इज इक्वल टू ये ऑपरेशन का ऑपरेशन का और a इंटू बी मतलब a इंटू बी। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 इंटू 10, तो हम लोग का 10, तो 10 बिलोंग्स कर रहा है z प्लस से, तो हम लोग इसे कह देंगे सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, हम लोग बाद में लिखेंगे। अब आप लोग लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे देखिए इफ a बिलोंग्स कर रहा है z प्लस से, b भी कर रहा है z प्लस से, तो हम लोग लिख देंगे देन a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स कर रहा है जेड प्लस से। तो फॉर देयर फॉर ये सिंबल है फॉर ऑल एलिमेंट का, वो भी बिलोंग करना चाहिए ए बी बिलोंग करना चाहिए जेड प्लस से। तो अब इसे कह देंगे हियर हेंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लोग एग्जाम में एक भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं, सर लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। अब एग्जाम में टाइम और क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं। तो हम समझने के लिए लिख दिए लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखे, क्योंकि उसका आदत लगना चाहिए बोर्ड के लिए। तो देखिए देखिए फर्स्ट का थ्री, तो ऑन रेशनल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर लिया सॉरी आर है, तो रियल नंबर में क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो ऑन रियल नंबर डिफाइंड ऑपरेट्स बाय ए ऑपरेट्स इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का ऑपरेशन ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो फर्स्ट का थ्री देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का सेट दिया हुआ है आर। तो आप लोग जानते होंगे कि आर मतलब रियल नंबर होता है, तो जो कि रियल नंबर यहाँ पे हम लोग को ऑपरेशन दिया हुआ है ए ऑपरेट्स बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो पहले हम लोग दोनों फिर से समझेंगे जैसे समझे थे, पहले हम लोग एग्जाम्पल फॉर्म में और एक प्रूफ करने के लिए लैंग्वेज फॉर्म में लिखा जाता है। तो पहले आप लोग एग्जाम्पल फॉर्म में समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे ए इक्वल टू वन, मान लीजिए वन है बिलोंग्स कर रहा है आर पॉजिटिव मतलब रियल पॉजिटिव, फिर बी मान लीजिए हम लोग रूट अंडर थ्री ले लिए वो भी बिलोंग कर रहा है आर प्लस से, तो हम लोग का ऑपरेशन था ए बी, तो ए डॉट बी पर स्क्वायर, तो वन इंटू रूट थ्री स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री, तो वन इंटू थ्री स्क्वायर टू थ्री, जो थ्री बिलोंग्स कर रहा है आर पॉजिटिव थे, तो हम लोग कह देंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसे लैंग्वेज फॉर्म से समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। तो लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेंगे डायरेक्ट इफ ए बिलोंग्स आर पॉजिटिव बी बिलोंग्स आर पॉजिटिव देन ए operates b is equal to a operate a dot मतलब and multiplication b square operates r plus। तो आप लोग direct लिख लीजिए, पर आप लोग example form में समझे तो और आप लोग का बेहतर समझेगा, आप लोग language form से भी लिख सकते हैं b operates r positive, तो आप लोग लिख दीजिए so it is binary operation। अब आते हैं हम लोग one का four में, वन का फोर्थ कर रहा है ऑन जेड प्लस मतलब इंटीग्रल्स फिर से दिया हुआ है वो भी पॉजिटिव डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस है आप लोग देखने से पता चल जाता होगा ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलिए इसे बना, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले दिया हुआ है सेट, जो हम लोग का इंटीग्रल्स जेड प्लस दिया हुआ है जो इंटीग्रल है पॉजिटिव है, अब हम लोग ऑपरेशन लिखा हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी के अंदर मॉडुलस। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो आप लोग पहले हम लोग एग्जाम्पल फॉर्म से समझ लीजिए ए स्क्वल टू वन बी स्क्वल टू टू मान लिया हम लोग क्योंकि पॉजिटिव है, तो ए माइनस बी डायरेक्ट लिख लिए ऑपरेट्स वन माइनस टू, तो माइनस वन आ गया, मगर ये मॉडुलस है, मॉडुलस सब जानते होंगे जो चीज मॉडुलस से बाहर निकली है पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस से निकला तो वन हो गया।
जो वन बिलोंग्स कर रहा है जेड पॉजिटिव के, तुम लोग कह देंगे कि ये बाइनरी फंक्शन है। पहले आप इसे लैंग्वेज फॉर्म से भी लिख के समझ लीजिए। तो इफ ए बिलोंग्स जेड प्लस बी बिलोंग्स जेड पॉजिटिव, देन ए ऑपरेट्स बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ऑपरेट्स कर रहा है जेड पॉजिटिव के। फॉर एलिमेंट ए ऑपरेट बी बिलोंग्स जेड पॉजिटिव, तो हम लोग कह देंगे अब फॉर होना चाहिए, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। देखिए आप फिफ्थ नंबर ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइंड, फिर से जेड पॉजिटिव है इंटीग्रल पॉजिटिव बाय ए ऑपरेट्स बी इक्वल टू ए। ये देखिए कैसा क्वेश्चन है, ए ऑपरेट्स बी इक्वल टू ए। चलिए इसे बनाते हैं, ये आप लोग को थोड़ा सा ही लग रहा होगा हार्ड, चलिए इसे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वन का फिफ्थ बना रहे हैं। तो सेट हम लोग का फिर से दिया हुआ है इंटीग्रल्स पॉजिटिव, जो कि नेचुरल नंबर इसे हम लोग कह देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इस फॉर्म से, एग्जांपल के फॉर्म से, ए इक्वल टू वन बिलोंग्स जेड पॉजिटिव, बी मान लिया हम लोग कि 100 है बिलोंग्स कर रहा है जेड पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग क्या लिखा हुआ था ऑपरेशन, ए ऑपरेट्स बी इक्वल टू ए, मतलब कुछ भी ऑपरेट हो रहा है मतलब ए ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो ए इंटू मतलब ए ऑपरेट्स बी आ गया हम लोग का वन, क्योंकि यहाँ पे ए ही आया है तो बिलोंग्स जेड पॉजिटिव, तो इसे हम लोग कह देंगे। अब थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए ए ऑपरेट बी कुछ भी कर रहा है ए ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी किए तो वन ही आ रहा है, तो इसी कारण हम लोग लिख देंगे इसे कि ये बाइनरी फंक्शन होगा। तो आप लोग इस फॉर्म में लिख लीजिए, स्कूल बोर्ड के फॉर्म में, ए स्टार बी ए इफ ए बिलोंग्स जेड पॉजिटिव और बी बिलोंग्स जेड पॉजिटिव, देन ए स्टार बी इक्वल टू ए पॉजिटिव जेड प्लस। तुम लोग फॉर एवरी एलिमेंट ए और बी रहना चाहिए, जेड पॉजिटिव से बिलोंग करना चाहिए तभी होगा। तो हेंस इट इज बाइनरी फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। तुम लोग का यहाँ पे वन का पूरा क्वेश्चन बन गया फिफ्थ तक।